आप लोग उम्मीद करती थी आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो मैं आई हूँ आज अम्मी के घर पर, क्योंकि कल जो है हमें करनी है थोड़ी तैयारी रबी लवल की, क्योंकि अम्मी हर साल जो है वो बनाती है बिरयानी वगैरह। देखिए अम्मी कर रही है तैयारी, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि अम्मी क्या तैयारी करी है। कल हम बनाएंगे चिकन बिरयानी और सब आएंगे और देखते हैं अम्मी क्या क्या तैयारी की। अभी से तैयारी स्टार्ट की कर दी है, उन्हें मैं आपको करके जो भी दिखाऊँगी, ठीक है, तो वही मैं आपको दिखाती हूँ। तो वैसे ये देखिए अम्मी जो है वो तैयारी कर रही है कल के लिए। अम्मी ने जो है वो हरा मसाला भी पीस दिया, सॉरी अम्मी ने सारी चीज़ें जो है वो कट करके रख दिए, हरा धनिया पुदीना और यहाँ पे सारा मसाला, सारी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दिए ताकि कल जो है हमारी बिरयानी 4 बजे तक रेडी हो जाए। कोशिश तो है 4 बजे तक रेडी हो जाएगी, पर देखते हैं कितने बजे तक होती है। और आपको ये सब देखने के लिए कल के व्लॉग में मिलेगा। आप लोग जो है वो कल रेसिपी आप लोग साथ शेयर करेंगे, अम्मी बनाए, अम्मी नहीं बनाएंगी, हम सब मिलके बनाएंगे, मैं और मेरी बहन। और बाद में फिर सब यही कहेंगे कि अम्मी से खाना बनवाती हो और सब मिलकर खाते हो, तो इस वजह से जो है मैं और मेरी बहन बनाएंगे। अम्मी सिर्फ अभी तैयारी करके रखी है ताकि जल्दी से कल सारा काम हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो मैं आ गई आज अम्मी के घर पर, क्योंकि कल है रबी अव्वल, तो इसकी तैयारी करनी है हमें। और अम्मी जो है हर साल अम्मी के घर ही आते हैं, और अम्मी जो है वो अम्मी के घर आते हैं, भाई जो है वो घर से ही न्याज मंगवाते हैं, चीज़ें वगैरह सब होती है जो बच्चों को देते हैं। तो इस साल जो है अम्मी जो अम्मी ने ना बाहर से नहीं बनवाई है, हम निकल घर में बना देंगे, मैं और मेरी बहन। अम्मी कर रही है अभी तैयारी वगैरह। आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही होगी, क्योंकि मेरा जो है वो गला ख़राब है और कान का भी जो मसला है, आप लोग से बार बार शेयर करूँगी तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, तो इस वजह से मुझे कुछ भी जो है वो सुनाई नहीं दे रहा, अपनी ही आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। अम्मी कर रही है तैयारी, तो कल के व्लॉग में जो है आप लोग सब चिकन रेसिपी, चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करेंगे और आप लोग देखना और व्लॉग को इंजॉय करना। और कल थोड़ा कहीं बाहर भी लाइटें वगैरह देखने भी जाएंगे, क्योंकि अभी तो टाइम हो रहा है 10:30 बजने हैं और मैं आई थी अभी ये घर पर शाम को। तो बस इस्तेमाल करी, तो मिलते हैं कल। ये लोग आप लोग कल देखिएगा पूरा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और तो व्यूअर्स यहाँ पर जो है बच्चों के मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेस, क्योंकि टाइम हो चुका है अभी रबी उल अव्वल। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और आज रबी उल अव्वल का दिन माशाल्लाह से इतना प्यारा दिन होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है हर जगह पर रौनक होती है। तो यहाँ पर जो है बच्चों की मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेस, इनके बाद जो है बच्चों को रेडी कर दूँगी, क्योंकि बच्चे जो है अब इंतज़ार नहीं कर पा रहे और कह रहे कि फटाफट मामा हमें रेडी कर दो, और डाइट भी जो है जाने वाली है, तो उससे पहले मैं फटाफट कर लूँगी बच्चों के कपड़े इस्त्री। और कुछ भी बड़ा छोटा दिन होता है तो बच्चे जो है वो काफ़ी बेसब्रे हो जाते हैं और कहते हैं कि मामा बस, इनको सब्र ही नहीं होता और सुबह भी जल्दी उठ जाती है, पूरी रात खुशी के मारे सोते नहीं कि मामा जल्दी से हमें जो है वो रेडी कर दो। तो मैंने कहा लाइट भी जा चुकी है। तो व्यूअर्स यहाँ पर जो है मैं बच्चों को रेडी करने लगी हूँ। ये है अल्फिया की, आयशा की फ़्रॉक, और ये हानिया की भी जो है वो रेडी हो चुकी है, हानिया की फ़्रॉक, और ये है अल्फिया की। तो मैं बच्चों को रेडी करके और फिर आपसे मिलवाती हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ बच्चों के कपड़े प्रेस नहीं हुए, सिर्फ़ और सिर्फ अल्फिया का प्रेस हुआ और बच्चों के दूसरे कपड़े। चलो बच्चों सलाम करो। तो बच्चे हमारे रेडी हो चुके हैं, और ये देखो आयशा और ये तीनों बहनें भी रेडी है। आयशा हेलो करो, तो इनके सूट देखना, और हानिया का सूट भी जो है वो तैयार हो चुका है। हानिया लो करो, अर्फिया स्माइल, स्माइल भी हमारा जो है बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और ये है हमारा इब्राहिम, हमारे बच्चे जो है वो रेडी हो चुके हैं, और अब हम लोग जो है वो चिकन बिरयानी बनाएंगे। और फिर तो कैसे लग रहे हैं, घूम के तो दिखाओ ज़रा फ्रॉक। अरे हाँ नहीं, यानी दिखाएगी, यानी दिखाओ, कब तो कर दो आनी, सही वाला सही वाला करवानी है। कहाँ जा रही हो आप? अच्छा लग रहा है आपको सूट? आज क्या कौन सा दिन है आनी? रबी उल्अव्वल है ना। आप जाओगी रिक्शे में घूमने? नहीं। क्यों? पापा रिक्शे में नहीं। तो फिर लड़के के लड़के बेचारे जाना। सबको हेलो तो करो, पप तो दे दो।
बोलो आप लोग कैसे हो? तो यहाँ पर जो है ऑयल गर्म हो चुका था, तो हमने इसमें प्याज ऐड करी और ये है 2 किलो प्याज, क्योंकि बिरयानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन रही है। तो यहाँ पर व्यूअर्स ले ली है 3 किलो चिकन, चिकन अभी वॉश नहीं हुई, मैं आपको दिखा रही हूँ। और 1 किलो 2 किलो आलू ले लिए, हरा मसाला, बड़ी वाली मिर्चें, 1 किलो है टमाटर और 2 किलो है चावल, 2 किलो यहाँ पर राइस ले लिए, उसे भी अभी जो है वो तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है, तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ दोबारा प्याज, क्योंकि ये प्याज बहुत ही मुश्किल से जो है फ्राई हुई थी। यहाँ पर जो है वो हरा मसाला भी अम्मी ने जो है वो रेडी कर लिया है, तो अब बनेगी बिरयानी और वन बाय वन जो जो चीज़ें ऐड करेंगे वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पर जो है हम कर रहे हैं बिरयानी की तैयारी और लाइट नहीं है, और बस मैं भी अभी कपड़े चेंज करूँगी, रेडी नहीं हुई हूँ। ये है मेरा वाइट दुपट्टा और मैंने भी ग्रीन मास्क ले लिया था, तो अभी जो है वो बच्चे रेडी हो चुके हैं और मैं अभी बस रेडी हो जाऊँगी। तो फिर है ना, अभी बिरयानी की जो है मेरी बहन, मेरी सिस्टर जो है वो बिरयानी बना रही है, साथ में मैं भी रहूँगी, अम्मी भी रहेंगी। और ज़्यादा क्वांटिटी में बिरयानी बन रही है, 2 किलो चावल, 3 किलो चिकन, 1 किलो आलू, 1 किलो टमाटर, ज़्यादा बनेगी 3-4 किलो और 3 किलो तक की बिरयानी हम बना रहे हैं। आप लोगों के साथ मैं रेसिपी भी शेयर करूँगी, और आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे कुछ देर के बाद, क्योंकि अभी घर भी बहुत ज़्यादा है, लाइट आएगी 6 बजे, ठीक है, 6 बजे लाइट आएगी, 4 बजे लाइट नहीं, आज 3:30 बजे चली गई थी लाइट, तो आ जाएगी। तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, मैं तब तक कपड़े वगैरह भी चेंज कर लूँगी, तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे, चलिए। तो यहाँ पर जो है प्याज काफ़ी गीली थी, तो ज़्यादा ब्राउन नहीं हो पाई, बस मम्मी जो है मम्मा ने कहा कि ठीक है इतनी ही, और इसमें जो है हमने ऐड कर दी है चिकन। तो प्याज जो है वो ब्राउन बस अच्छी खासी हो चुकी है, तो इसमें जो है हमने चिकन ऐड कर दिया, और चिकन को इतना भूनना है कि चिकन का कलर जो है वो अच्छा सा गोल्डन हो जाए, फिर हम इसमें जो है वो सारे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो है चिकन भी ऐड कर दी, उसे अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए, इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाएगा, चिकन फ्राई हो जाएगी, तो फिर हम दूसरे मसाले इसमें ऐड करेंगे। और ये देखें माशाल्लाह चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, तो हम इसमें हरा मसाला और इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, ठीक है, और ये हरे मसाले के साथ भी थोड़ा सा हम इसे भून लेंगे ताकि स्मेल वगैरह जो चिकन में रहती है ना वो निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दूसरे मसाले में है टमाटर, टमाटर डाल दिए हैं, और आलू, आलू हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा, और ये है बिरयानी मसाला, होममेड मसाला है ये। तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ है ना आलू बहुत ही ज़्यादा बच्चों को पसंद है बिरयानी के, तो इस वजह से हम बिरयानी में आलू सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में डालते हो। हमारे यहाँ बच्चे क्या बड़े सभी को आलू बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, बिरयानी के चटपटे आलू सॉफ्ट सॉफ्ट से। तो यहाँ पर जो है मैं अपना सूट प्रेस कर रही हूँ, लाइट अभी आ चुकी है, तो ये मेरा सूट नहीं जो है मैंने प्रेस किया था, और ये मेरा भी सूट मैं प्रेस कर लूँगी, और मैं जो है बच्चों को रेडी कर दिया, मैं नहा लूँगी और फिर जो है वही बस खाना पीना, और कहीं जाना नहीं हुआ क्योंकि हम ज़्यादातर कहीं जाते नहीं हैं, अम्मी के घर आते, बस यहीं जो है बच्चे जाएंगे बाइक के साथ, तो बाइकों पे आ जाएंगे घूमकर, और हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ घर में ही रहेंगे। तो ये मेरा सूट जो है वो प्रेस करके मैं रेडी हो जाऊँगी, और वैसे बाहर में नहीं जाती ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा काफ़ी रश भी होता है, और आज तो आपको पता है ज़्यादा रश होगा तो रक्शे में तो मुनासिब नहीं है, तो इस वजह से हम कहीं भी नहीं गए, बच्चे जो है वो घूमकर आ गए थे। तो यहाँ पर जो है देखिए बिरयानी का सालन भी जो है वो रेडी हो चुका है, और हम जो है अब बस चावल भी जो है वो रख देंगे बॉईल करने के लिए। तो ये देखिए सालन जो है वो रेडी है तकरीबन, और यहाँ पर जो है वो चावल भी हमें बस यहाँ पर देखिए चावल भी जो है वो बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, और चावल हम जो है वो बॉईल हो जाएंगे, तो पानी में बॉईल आया था तो उसमें चावल भी ऐड कर दिए हैं, बाकी सारा जो है वो सालन भी, गरम मसाला और सालन भी रेडी है, बस भूख बहुत ज़्यादा लगी, फटाफट से खाना बनाएंगे। हाँ तो व्यूअर्स, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, और ये हमारे प्यारे प्यारे से हेलो बोलो अन्ना, क्या है ना? हम लोग बिरयानी खाएंगे। अच्छा, आपकी फेवरेट क्या है? मेरी फेवरेट बिरयानी। स्मेल आपकी बिरयानी, बिरयानी आपको पसंद है? तो व्यूअर्स, हानिया की जो है वो सॉरी हल्फिया की बिरयानी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, और मैं भी जो रेडी हो चुकी हूँ, बस अब बिरयानी को दम पे रखेंगे और फिर मज़े से खाएंगे, और थोड़ी देर कहीं शायद कहीं थोड़ा चक्कर लगाने चलेंगे। और हानिया ये भी, हानी ऐसे करो एक तस्वीर आई, हम लोग चांदी खेल रहे थे अभी, बस चांदी चांदी बहुत खतरनाक होती है, अच्छा स्माइल भी खेलता है, आगे भी खेलती है मेरे साथ, अब मैं फिर से
आनिया जो है वो अभी आनिया जो है सोने लगी है ना। हाँ तो ये रात बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और एक बात और आपसे शेयर करनी थी कि आज जो है वो मेरे कान में काफ़ी पेन है, बहुत ज़्यादा अभी भी है। कान को फिर मैं जाऊँगी डॉक्टर को दिखाने ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी बिरयानी के चावल जो है वो बॉईल करने के लिए रखे हैं। जैसे ही बॉईल हो जाएंगे तो फिर जो है हम आपको दम पे रख कर भी दिखाएंगे और फिर सब मिलकर खाना वाना खाएंगे और शायद हम कहीं थोड़ी देर चले भी जाए भाई ना। आप चलोगे? चलो भाई कर दो। बताओ चलो भाई करो बाय। मैं आ चुकी हूँ किचन में और जो है वो मेरी बहन ने वो अभी लगाई थी उसको तेल और बिरयानी को रखेंगे तो क्योंकि बहुत ज़्यादा सबको भूख लगी हुई है। ठीक है तो फटाफट से ये रही चावल वगैरह सब्जियाँ रख दी हैं, सालन भी बिल्कुल रेडी है और आपको मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा कम आ रही होगी तो जो है वो इस वजह से आ रही है। तो मेरे गले में काफ़ी पेन है जैसे मैं हमेशा ही आपको वीडियो में कहती हूँ। तो यहाँ पर अभी बिरयानी की तेल लगाएंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए मैं तो यहाँ सबको लगी थी भूख, बड़े छोटे जितने भी हैं सब बहुत ज़्यादा भूखे थे और फटाफट से जो अब लगा लेंगी दम। तो सबसे पहले तेल में जो है वो डाल दिया था सालन, तो इसके ऊपर जो है हरा धनिया और हरी मिर्चें भी जो है हमने ऊपर से जो है वो ऐड कर दी थी। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और दही में जो है फूड कलर भी ऐड कर दिया था, वो भी साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे। ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है और बिरयानी बहुत ही ज़्यादा इसमें अच्छी बन जाती है। और यहाँ पर जो है चावल पर ही साथ साथ हम डाल देंगे फूड कलर और ऊपर से हमने ऐड कर दिए हैं चावल। चावल जो है दो हिस्सों में हमने कन्वर्ट कर दिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी के चावल थे, 2 किलो जो है वो चावल थे, 2 से 2.5 किलो थे। तो इस वजह से और बिरयानी को रख दिया है अब दम पे और जैसे ही रेडी होगी तो फटाफट लगा लेंगे। मैंने बना लिया था सैलेड और रायता और यहाँ पर जो है अम्मी गर्मा गर्म बिरयानी सर्व कर रही है। हम सब जो है भाई बहन और सब यहाँ दस्तरखान पर बैठ चुके हैं। अम्मी ने जो है वो मीठे में बनाया था मछली वाला फालूदा, ठीक है, और वो जो है यहाँ रखा नहीं है जल्दी जल्दी में क्योंकि यहाँ पर सबको जल्दी है कि हमें डाल दो। तो माशाल्लाह हमारी सारी फैमिली अल्लाह पाक नज़रों बद से बचाए और हमारी फैमिली इसी तरह तो इसी तरह हमारा दस्तरखान हरा भरा रहे। आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में इसी उम्मीद के साथ कि आप लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे। अल्लाह हाफिज़।